स्टूडेंट, आई एम सचिन बिंदल फ्रॉम आर्ट एंड स्किल सेंटर SBI मेन ब्रांच नियर जाट कॉलेज हिसार। तो टुडे जो आज का हमारा टॉपिक है वो चल रहा था सर स्टूडेंट पावर पॉइंट के अंदर हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे एनिमेशन तक। तो नेक्स्ट हम लेक्चर्स कर रहे हैं आज अपना स्लाइड शो। स्लाइड शो का मीनिंग क्या है, आप अपनी स्लाइड्स रेडी कर चुके हो 10, 12 या 5 जितने भी पेजेस का आपको एक स्लाइड बनाना था बच्चों, उस स्लाइड्स को प्रेजेंट करने के लिए आपको एट स्टार्टिंग से जाना है, एट एंडिंग पे जाना है, मिड में जाना है या कस्टम शो के अकॉर्डिंग आप जाकर के अपनी स्लाइड्स को रीअरेंज करना चाहते हो। रीअरेंज का मतलब क्या है, थर्ड को फोर्थ पे, फोर्थ को सेकंड पे, सेकंड को फर्स्ट पे, यानी आगे पीछे करना या फिर अकॉर्डिंग टू टॉपिक वाइज आप अपनी स्लाइड्स को अरेंज करना चाहते हो। तो इन स्लाइड्स को अरेंज करने का जो फॉर्मेट है वो आप कस्टम शो के अंदर जाकर के आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। नेक्स्ट फिर सेटअप स्लाइड शो है, सेटअप करना कि आपको स्लाइड शो को कैसे शो कराना है या नहीं कराना, या फिर आपने मान लो 20 या 10 स्लाइड्स बनाई हैं बच्चों, उन 20 या 10 स्लाइड्स के बीच में से किसी भी एक सिंगल स्लाइड्स को हाइड करना चाहते हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप उसको शो ही नहीं कराना चाहते। फिर नेक्स्ट इसी के अंदर आपके वेरियस ऑप्शन आते हैं, रिकॉर्ड नरेशन है, रिहर्स टाइमिंग है, यूज़ रिहर्स टाइमिंग है। रिकॉर्ड नरेशन का मतलब क्या है कि आप एक स्लाइड्स का टाइम रिकॉर्ड करके रखना चाहते हो कि कितने टाइम तक वो स्लाइड्स आपकी रिकॉर्ड हो। नेक्स्ट फिर रिहर्स टाइम, रिहर्स का मतलब होता है हम बच्चों को, छोटे बच्चों को क्या कराते हैं, रिहर्स रिपीट कराते हैं, कुछ कुछ देर बाद टॉपिक्स को रिपीट कराते जाते हैं या उनकी रिहर्सल कराते हैं, यानी प्रैक्टिस के लिए बार बार बोलते हैं बच्चों को। तो वो रिहर्स टाइमिंग कि एक ही स्लाइड को आपको कितने टाइम्स के बाद दोबारा रिपीट करना है, रिहर्स कराना है, तो आप यूज़ रिहर्स टाइमिंग करोगे तो आपको वो टाइम भी रिकॉर्ड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन इसी में आपको बताएगा वेरियस ऑप्शंस के बाद स्टूडेंट रेजोल्यूशन, स्क्रीन की रेजोल्यूशन क्या है, जिस स्क्रीन के ऊपर आप स्लाइड शो कर रहे हो बच्चों उस स्क्रीन का करंट रेजोल्यूशन कितना है, उस स्क्रीन को कितने रेजोल्यूशन पे आप रन करा रहे हो या जो आपके पावर पॉइंट स्लाइड्स बना रहे हो वो कितने रेजोल्यूशन पे आप रन कराना चाहते हो। फिर नेक्स्ट इसी के अंदर यूज़ प्रेजेंट व्यू का ऑप्शन दिखाएगा आपको बच्चों। यूज़ प्रेजेंट व्यू का मतलब क्या है कि आप करंट कौन सा व्यू यूज़ कर रहे हो उसको देखने के लिए, तो आप वो भी साथ के साथ अपने विंडो के ऊपर चेक कर सकते हो। नाउ सबसे पहले मैं इसी के लिए क्या कर रहा हूँ बच्चों, कुछ स्लाइड्स बना रहा हूँ स्लाइड शो को प्रेजेंट करने के लिए ताकि हम शुरू से ऑप्शंस को कर सकें। तो हम होम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं कुछ स्लाइड्स को ऐड कर दे रहा हूँ ताकि आपकी स्लाइड्स का पता चल सके। ये मैंने बना दी बच्चों यहाँ पे 5-6 स्लाइड्स। अब हम वापस से इन पे ऊपर कुछ ना कुछ टैक्स या जो भी अपना नाम लिखना है, मैंने फर्स्ट लिखा बेसिक कंप्यूटर सब टाइटल मैंने डाल दिया इसी में पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट सेकंड में मैं डाल रहा हूँ बच्चों इसी के अंदर प्री पार्ट या पिक्चर कंप्यूटर की ही रिगार्डिंग आप क्लिप डाल सकते हो, जो भी आपको क्लिप डालना है। तो मैं यहाँ नाम भी क्लिप के अकॉर्डिंग ही दे रहा हूँ बच्चों। पिक्चर ऑफ कंप्यूटर थर्ड स्लाइड्स ले रहे हैं। थर्ड स्लाइड पे सपोज आप मान लो टेबल डालना चाहते हो तो मैं यहाँ से 5x2 की टेबल डाल दूंगा इसमें। टेबल की हाइट है आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। कॉलम्स बनाने हैं बच्चों इसमें, आईडी क्लास सब्जेक्ट एंड उसके मार्क्स कि स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने हैं। अब 5 रिकॉर्ड एंटर कर देते हैं स्टूडेंट हम इसी के अंदर, 5 रिकॉर्ड एंटर कराएंगे इसी में। अब इसी के रोज को बढ़ाना है तो टैब के साथ आप रोज को बढ़ा भी सकते हो बच्चों। 3, 4 and 5 तो ये 5 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स हो गए बच्चों। अब इसमें हम क्लास को फिल करेंगे, नेम डालेंगे इसी के अंदर। अब हम स्टूडेंट्स की नेम क्या है,
सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स की नेम डाल सकते हो आपको जोड़ना है। फर्स्ट सब्जेक्ट का फाइनेंस, सेकंड है साइंस, थर्ड है हिंदी, फोर्थ डाल दिया हमने इंग्लिश एंड लास्ट आपका डाल दिया जीके, जीके जो है ना नॉलेज। मार्क्स 90, 89, 78, 88, 90। तो सेकंड पे बच्चों हमने डाल दिया टेबल, फोर्थ पे हम टाइटल डाल रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन पिक्चर एंड क्लिप आर। तो एक साइड तो बच्चों में डाल रहा हूँ इसमें पिक्चर को, ताकि हम डिफरेंस क्रिएट कर सकें। पिक्चर्स में जाएंगे, सैम्पल पिक्चर्स में जाएंगे, और यहाँ से आपको पिक्चर को पिकअप करना है, तो आप पिक्चर को उठा सकते हो। पिक्चर को उठाने के बाद स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पे आपका सेकंड टाइम दूसरी तरफ हम डाल देंगे कोई भी क्लिप, कंप्यूटर क्लिप लिया तो हम यहाँ क्लिप डाल सकते हैं। एंड लास्ट फिफ्थ स्लाइड से मैं उसको भी डेकोरेटली कर दे रहा हूँ, ताकि आपको डिफरेंस क्लियर हो सके बच्चों। चार्ट, एक्सेल चार्ट डाल देंगे यहाँ पे, कोई भी जो भी आपको चार्ट पैटर्न सेलेक्ट करना है, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक चार्ट बना करके दे देगा स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सेल का, ये आपका एक चार्ट का ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट, नाउ अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट स्लाइड्स पर वापस। अगेन स्टूडेंट हम ऑप्शंस कर रहे थे स्लाइड शो, स्लाइड शो के अंदर आपका फर्स्ट ऑप्शन आता है स्टूडेंट्स फ्रॉम बिगिनिंग। बिगिनिंग का मतलब है आप स्टार्टिंग से शुरू करना चाहते हो, स्टार्टिंग से आपको शुरू करने के लिए फर्स्ट ऑप्शन आपका फ्रॉम बिगिनिंग। क्लिक करोगे जैसे ही आपकी स्लाइड्स आपकी शो हो जाएंगी फ्रॉम बिगिनिंग। फर्स्ट आपकी यही थी, फर्स्ट, सेकंड पार्ट्स ऑफ पिक्चर्स ऑफ कंप्यूटर, थर्ड टेबल, फोर्थ डिफरेंस बिटवीन पिक्चर एंड क्लिप आर्ट, एंड फिफ्थ चार्ट। तो ये तो था बच्चों आपका बिगिनिंग से, कि जहाँ से आपने क्लिक किया है, यानी फर्स्ट स्लाइड से आपने क्लिक किया, तो वापस वो फर्स्ट तक क्लिक होकर के आपका लास्ट जो आपकी स्लाइड फिफ्थ है टेंथ है वहाँ तक पूरी स्लाइड्स को शो कराएगा, यानी कि फ्रॉम बिगिनिंग। इसकी डेफिनेशन भी ले सकते हो स्टूडेंट अगर लिखनी है, तो आपको फ्रॉम बिगिनिंग का कि पावर पॉइंट स्लाइड शो कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंडिंग, स्टार्ट से लेकर के चलेगा टू एंडिंग, एंडिंग तक जाएगा। एग्जांपल ले सकते हो लाइक फ्रॉम 1 to 10 या 1 to 5। अगर आपकी स्लाइड 1 to 10 है तो 1 से शुरू करेगा, 10 पे जाकर स्टॉप करेगा। अगर आपकी स्लाइड्स आपके हैं ही 5, तो आपका 1 से शुरू करेगा, 5 पे स्टॉप करेगा। ये तो हो गया बच्चों आपका फ्रॉम बिगिनिंग। बट अब इसमें क्या कहना है, फ्रॉम करंट स्लाइड्स। सेकेंड जो ऑप्शन है बच्चों इसी का है, वो है फ्रॉम करंट स्लाइड। करंट स्लाइड का मतलब क्या है स्टूडेंट इसके अंदर, कि आप जिस स्लाइड्स पे काम कर रहे हो, सपोज़ कि मैं मान लूँ यहाँ पे हूँ थर्ड स्लाइड पे, तो ये मेरी क्या होगी करंट स्लाइड्स ना, क्योंकि मैं इस पर काम कर रहा हूँ। करंट का मतलब है कि जो आज आप अपना अभी करंट वर्क कर रही हो वो होता है आपका टोटल वर्क, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं फ्रॉम करंट स्लाइड्स का। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है बच्चों वो है करंट स्लाइड। करंट स्लाइड्स के अंदर आप क्या करोगे, चाहे आप सेकेंड स्लाइड पे हो, चाहे आप थर्ड पे हो, चाहे आप फोर्थ पे हो, जब आप उसका प्रेजेंटेशन व्यू शो कराते हो, तो जैसा वो है एज इट इज़ का एज इट इज़ आपको शो करके दे देगा प्रेजेंट व्यू के अंदर, यानी कि जिस स्लाइड्स पे आप काम कर रहे थे वहीं से आपकी स्लाइड शो शुरू हो जाएगी। अब हमने क्लिक कर रखा बच्चों थर्ड स्लाइड्स के ऊपर, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फ्रॉम करंट स्लाइड, तो आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं। आप करंट स्लाइड पे हैं तो आपकी पावर पॉइंट स्लाइडेशन जो है वो आपकी थर्ड से ही शुरू होगी, क्योंकि मैंने वहाँ पे स्लाइड्स के अंदर कौन से स्लाइड्स पे क्लिक किया था बच्चों, थर्ड स्लाइड दैट वन इज टेबल। तो जब भी आप उस स्लाइड्स को रन कराओगे तो आपका टॉपिक वहीं से शुरू होगी, आपकी स्लाइड्स की जो प्रेजेंटेशन है वो उस करंट स्लाइड यानी थर्ड टॉपिक से ही शुरू होगी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। एंड स्केप करने के लिए बाहर इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से आप बाहर जा सकते हो। नेक्स्ट वे स्टूडेंट्स है इसी के अंदर हमारा फ्रॉम करंट स्लाइड्स के बाद आपका कस्टम स्लाइड शो।
कस्टम स्लाइड शो का मीनिंग क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में लेक्चर शुरू करने से पहले बताया था बच्चों, आपको इन स्लाइड्स को रीअरेंज करना हो अपने अकॉर्डिंगली। अपने अकॉर्डिंग का मतलब क्या है कि आप थर्ड वाली स्लाइड्स को फोर्थ बना दो, फोर्थ वाली स्लाइड को सेकंड बना दो, सेकंड वाली स्लाइड्स को फिफ्थ बना दो, फिफ्थ वाली स्लाइड को फोर्थ बना दो। यानी कि टॉपिक वाइज या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट आपका प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग अपनी स्लाइड्स को रीअरेंज कर देना, यानी कि अरेंज करके रख देना अपनी स्लाइड्स को अकॉर्डिंग टू टॉपिक्स, अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, या फिर अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर उनको अरेंज करना अपनी स्लाइड्स को। द अरेंजमेंट ऑफ स्लाइड्स इन अकॉर्डिंग टू टॉपिक, अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस, अकॉर्डिंग टू इट्स इम्पोर्टेंस एंड अकॉर्डिंग टू इट्स नंबर, किसी के भी अकॉर्डिंग आप उन स्लाइड्स को अपने अकॉर्डिंग अरेंज करोगे। कस्टम शो के अंदर जाकर के आप कस्टम लिस्ट, अपनी खुद की एक लिस्ट बना सकते हो उन स्लाइड्स को अपने तरीके से शो कराने के लिए। तो सबसे पहले कस्टम स्लाइड के अंदर आपने क्लिक किया, जैसे आप क्लिक करते हो तो कस्टम स्लाइड शो के अंदर आपका एक और ऑप्शन आता है कस्टम शो। कस्टम शो पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपकी एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी, दैट इज़ कस्टम शो। अब इस कस्टम शो के अंदर आपका सबसे पहले क्या है, न्यू। न्यू का मतलब आप क्या क्या क्रिएट करना चाहते हो, मैंने यहाँ पे लिखा न्यू। तो यहाँ तो देखो स्लाइड प्रेजेंटेशन, अभी जो आपकी करंट स्लाइड चल रही है, फर्स्ट है आपकी बेसिक, सेकेंड है पिक्चर्स ऑफ कंप्यूटर, थर्ड है टेबल, फोर्थ है डिफरेंस बिटवीन पिक्चर्स एंड क्लिप आर्ट, एंड फिफ्थ है आपका चार्ट। ये तो हैं आपकी टोटल प्रेजेंटेशंस जो अभी करंट आपकी चल रही हैं, जो सीरियल नंबर आपने डाल रखे हैं। बट आफ्टर 3 days, 10 days या 20 days के बाद आपको इसी प्रेजेंटेशन को दोबारा रिपीट कराना है। बट रिपीट के साथ साथ आप इनको अरेंज भी करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू टॉपिक। कोई आपको कह देता है कि पिक्चर एंड चार्ट का टॉपिक बनाना है और कोई कहता है बेसिक कंप्यूटर, तो आप क्या करो अकॉर्डिंग टू टॉपिक इन दोनों को पहले रख दो, बाकी सब स्लाइड्स को बाद में रख दो और बाद वाली स्लाइड्स को हाइड कर दो। आपको पूरी पावर पॉइंट स्लाइड्स भी दोबारा नहीं बनानी पड़ी, ना आपको टॉपिक दोबारा बनाना पड़ा, बस जस्ट आपने जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, जो आपको फर्दर प्रेजेंटेशन शो करनी थी जिन टॉपिक्स के रिगार्डिंग, उनको आपने फर्स्ट एंड सेकेंड बना दिया, बाकी को हाइड कर दिया। तो आपका टाइम भी सेव हो गया बच्चों, आपको स्लाइड्स भी नहीं बनानी पड़ी। तो ये है हमारा सबसे बड़ा फीचर पावर पॉइंट का, कि जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप अपनी स्लाइड्स को आगे पीछे करके अरेंज कर सकते हो टॉपिक वाइज, उनकी इंपॉर्टेंस वाइज। तो आपका सारा नेक्स्ट, अब सबसे पहले देखो मैंने आपको एग्जांपल लिया था अभी, कि मान लो मैंने पिक्चर्स एंड चार्ट्स को फर्स्ट शो करना है देन बेसिक कंप्यूटर को, तो आप क्या कर सकते हो यहां से इनका सीरियल नंबर चेंज कर सकते हो, उसी अकॉर्डिंग आपकी कस्टम लिस्ट तैयार हो जाएगी। मैंने कहा फोर्थ एड, तो यहाँ पे फोर्थ नंबर जो स्लाइड थी बच्चों, देखो यहाँ पे स्लाइड्स प्रेजेंटेशन में ये फोर्थ था, लेकिन अब जो हमारी कस्टम लिस्ट बन रही है उसके अंदर इसका नंबर क्या हो गया, फर्स्ट। तो ये पहले शो करेगा, सेम एज पे मैंने कहा था फर्स्ट, सेकंड हो गया, सेकंड वाला थर्ड हो गया, थर्ड वाला फोर्थ हो गया, एंड फिफ्थ वाला फिफ्थ ही रहेगा, क्योंकि टेबल के बाद ही चार्ट ऑप्शन आता है। देन ओके करेंगे, क्लोज करेंगे। अब आपकी स्लाइड्स, बट यहाँ पे देखो आप स्क्रीन के ऊपर जैसा मैं शो कर रहा हूँ, स्क्रीन पे तो जैसे थी वैसे ही शो कर रहा है। ये कब अपडेट होगी आपकी कस्टम स्लाइड शो ऑप्शन, जब आप ऑप्शन को स्लाइड्स को शो कराओगे विद शॉर्टकट की। एक शॉर्टकट की होती है आपकी F5, इस F5 की को आप प्रेस करते हो तो आप अपनी स्लाइड्स को शो करोगे तो वो चेंज हो जाएंगे। बेसिक कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, टेबल्स शो नहीं हो रहा, अभी हम चेक करेंगे दोबारा। अगेन कस्टम शोज में जाएंगे, कस्टम शो फर्स्ट, उस पर क्लिक करना है। तो देखो चेंज हो गया बच्चों, फोर्थ वाली को मैंने फर्स्ट कर दिया था, डिफरेंस बिटवीन पिक्चर एंड क्लिप आर्ट, सेकंड बेसिक कंप्यूटर का ना, थर्ड पिक्चर्स ऑफ कंप्यूटर, फोर्थ टेबल, एंड फिफ्थ पे चार्ट एज इट इज। तो आपकी जो एक कस्टम लिस्ट, नई लिस्ट आपने बनाई थी अपने अकॉर्डिंग स्लाइड्स को अरेंज करके अकॉर्डिंग टू इट्स टॉपिक्स, वो वहीं से आपकी शो कर देगा। अब यहाँ पे हम कस्टम शो के अंदर वापस जा करके चेक कर सकते हैं हमने क्या क्या किया था। एडिट, फर्स्ट था पिक्चर एंड क्लिप आर्ट, बेसिक कंप्यूटर, पिक्चर ऑफ कंप्यूटर, टेबल एंड चार्ट, सेम इसी सीक्वेंस में आ रही थी बच्चों आपकी कस्टम शो। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी एक लिस्ट बना सकते हो कस्टम शो के अंदर। तो यहाँ तक था बच्चों आपका कस्टम स्लाइड शो। नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं इसी के अंदर, सेटअप स्लाइड शो, सेटअप करना हो। सेटअप करने के लिए यहाँ पे पेन इंक मार्कर होता है, उसका कोई मीनिंग नहीं है बच्चों स्टूडेंट। हाँ, दो आपको शॉर्टकट की ज़रूर बताएगा कि आपको अगर आपने प्रेजेंटेशन चल रही थी, आपकी प्रेजेंटेशन को स्टॉप कर दिया है, उस प्रेजेंटेशन को स्टॉप करने के लिए आपको कौन सी की प्रेस करनी है, एंड में जाने के लिए क्या यूज़ करना है, आपको स्लाइड्स को स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट से लेकर के लास्ट फेज तक ले जाना है, तो वो आप सीरियल नंबरिंग डाल सकते हो। तो ये होते हैं इसके सेटअप के अंदर वेरियस ऑप्शन। सबसे पहले देखो फर्स्ट शो टाइम, कौन सा टाइम शो करना है, प्रेजेंटेड बाय स्पीकर, स्पीकर के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हो फुल स्क्रीन पे, गैस तो मैंने क्लिक किया हुआ बच्चों।
सेकेंड है ब्राउज बाय इंडिविजुअल विंडो, इंडिविजुअल विंडो पे नहीं करना तो अनक्लिक किया हुआ है। ब्राउज एट ए क्वेश्चन फुल स्क्रीन नहीं करना तो मैंने ऑप्शन अनक्लिक किया हुआ। नेक्स्ट है बच्चों स्लाइड में ही आपका राइट साइड में जाओगे शो स्लाइड्स, कि स्लाइड्स कैसे शो करना चाहते हो। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन क्लिक किया हमने, ऑल सारी एक साथ करना चाहते हो या फिर फ्रॉम कहाँ से लेके कहाँ तक। अगर यहाँ पे मान लो मैंने डाल दिया फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ नहीं चाहिए मुझे, ओनली थ्री तक चाहिए, तो आपके थ्री तक ही चलेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट शो ऑप्शन, शो ऑप्शंस के अंदर लूप कंटिन्यूस अंटिल एस्केप, यानी कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो तब तक चलती रहेगी जब तक आप एस्केप बटन को प्रेस नहीं करते, यानी जैसे ही आपकी स्लाइड्स खत्म आप प्रेस करोगे एस्केप बटन। फिर सेकेंड है शो विदाउट नरेशन, विदाउट नरेशन का मतलब आप इसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। शो विदाउट एनिमेशन, कोई एनिमेशन नहीं लगानी तो आप इस ऑप्शन पे यहाँ क्लिक कर दो बच्चों, जो हमने कल लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एनिमेशन लगाना टेक्स्ट के ऊपर, अगर आप यहाँ ऑप्शन पे क्लिक कर देते हो तो आपकी कोई भी एनिमेशन ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन आपका शो नहीं करेगा। नेक्स्ट फिर ऑप्शन आता है साइड में ही आपका बच्चों एडवांस स्लाइड्स का, एडवांस स्लाइड्स के अंदर आप मैनुअली जाना चाहते हो तो मैनुअली, यूजिंग टाइमिंग इफ प्रेजेंट, टाइम देना चाहते हो तो उस ऑप्शन पे क्लिक कर दो। अभी हमने टाइमिंग के लिए ही किया हुआ है तो इसलिए मैंने टाइमिंग पे क्लिक कर रखा है। पेन कलर, पेन कलर को आपको चेंज करना है तो आपका पेन कलर चेंज हो जाएगा। परफॉर्मेंस यूज हार्डवेयर ग्राफिक एक्सेलरेशन चाहिए तो आप क्लिक कर सकते हो, देन ओके। अब यहाँ पे देखो पिंक कलर हो गया जो मैंने पेन कलर दिया था, पेन कलर का मतलब होता है आपका पिंक कलर जो बीच में आप स्लाइड्स को ऐड करते हो, दैट इज अ पिंक कलर। फिर यहाँ पे सेटअप स्लाइड शो के अंदर मैंने 1 2 3 दिया है, 1 2 3 देने के बाद आपका यहाँ तक होती है 1 2 3, तो 1 2 3 तक आप सेट कर सकते हो। लेकिन अब जैसे यहाँ पे मैंने देखो फर्स्ट स्लाइड्स पे क्लिक किया बच्चों, तो आपका हाइड स्लाइड्स का ऑप्शन एक्टिव हो जाता है। हाइड स्लाइड्स का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे जैसे भी आपको अकॉर्डिंग टू टॉपिक्स आपकी इंपॉर्टेंस जिस टॉपिक की मोर सबसे ज़्यादा है उसको आप पहले अरेंज कर दो, जिन टॉपिक्स को आपको नहीं पढ़ना या आपकी इंपॉर्टेंस नहीं है तो हम उन स्लाइड्स को क्या कर सकते हैं हाइड। अब बाय चांस इस पर लगा लो टेबल है, टेबल की आपको जरूरत नहीं है तो मैंने स्लाइड्स को हाइड कर दिया। और ये आपका पिक्चर्स है, पिक्चर सभी को पता ही है कि जस्ट डायरेक्ट क्लिक करते हैं आपकी पिक्चर आ जाती है पेज पे, तो एक सेकंड स्लाइड्स को भी मैंने हाइड कर दिया। और अब हम स्लाइड शो करेंगे तो बच्चों ये दोनों स्लाइड्स आपकी स्लाइड्स में से हट जाएंगी, फर्स्ट डायरेक्ट आपका फिफ्थ, तो सारी स्लाइड्स आपकी क्या कर देगा हाइड कर देगा। सेकेंड और थर्ड वो था, फोर्थ एंड फिफ्थ मैं तो वापस फर्स्ट पे किया था, और इससे पहले हमने क्या सेट किया था फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तक आपका स्लाइड शो करें सेटअप के अंदर किया था हमने 1 2 3। अब लेकिन मैं यहाँ कर दूँ 1 2 5 की ओनली और फिर से शो करें F5 तो अब आपका फोर्थ एंड फिफ्थ भी चलेगा, फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये था आपका सेटअप स्लाइड शो का मीनिंग बच्चों। सेटअप का मतलब मैंने पहले क्या किया था उसको सेट किया था 1 2 3, यानी 1 2 3 तीन ही चले, फिर मैंने उन तीन को शो किया, तीन में से मैंने 2 और 3 को हाइड कर दिया। जब 2 और 3 को हाइड कर दिया तो सिर्फ एक ही स्लाइड बची तो एक दिखा रहा था। फिर मैंने वापस सेटअप स्लाइड शो के अंदर जाकर के बच्चों इसको क्या कर दिया था 1 2 5, यानी कि मेरी एक स्लाइड के प्रेजेंटेशन के अंदर 5 स्लाइड तो पाँचों शो करें, बट उसमें से सेकेंड और थर्ड को क्या करते हैं हाइड। तो जैसे ही आपकी सेकेंड और थर्ड हाइड हो जाएगी तो अब आपकी कौन कौन सी चलेगी फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ, तो तीन स्लाइड्स आपकी यहाँ पर शो कर दिया। ये था बच्चों हाइड स्लाइड्स साइड स्लाइड्स का ऑप्शन। नेक्स्ट आता है बच्चों आप रिकॉर्ड नरेशन, आपको हर एक स्लाइड्स का टाइम रिकॉर्ड करना चाहते हो, उसके रिहर्स टाइमिंग को रिपीट कराना चाहते हो कि कितने कितने टाइम बाद वो आपकी जो पावर पॉइंट स्लाइड्स हैं वो रिपीट होनी चाहिए, उसके लिए आपके पास ऑप्शन है रिकॉर्ड नरेशन। रिकॉर्ड नरेशन में जाएंगे यहाँ से ओके करेंगे, तो यहाँ पे आप हर एक स्लाइड्स का टाइम रिकॉर्ड कर सकते हो कि आपको कितने कितने टाइम बाद स्लाइड्स को रिपीट कराना है, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट। अब सेकंड और थर्ड तो हाइड है ना आपकी तो शो नहीं करेगा, तो रिकॉर्ड नरेशन का मतलब देखो मैसेज आ जाएगा आपके पास में द नरेशंस हैव बीन सेव विद ईच स्लाइड्स, हर एक स्लाइड्स का नरेशन जो है सेव हो चुका है। डू यू वॉन्ट टू सेव स्लाइड टाइमिंग, जो स्लाइड्स हैं हर एक स्लाइड्स का टाइम भी सेव करना चाहते हो, यस। तो अब आपको एज लाइक फोल्डर के फॉर्म में जैसे हम सेव करते हैं बच्चों, देखो फर्स्ट 3 सेकेंड 6 सेकेंड एंड 5 सेकेंड, ये दोनों हमारी हाइड थी, तो जो हाइड स्लाइड्स होंगी उनका टाइमिंग शो नहीं करेगा, ये बच्चों ध्यान रखना है आपको, इसलिए आपकी सारी स्लाइड्स जो है एक्टिव होनी चाहिए तभी आपका शो करेगा। नेक्स्ट है फिर आपका रिहर्स टाइमिंग बच्चों, रिहर्स टाइमिंग के लिए आप
हर एक स्लाइड्स को कितने कितने सेकंड बाद रिहर्स रिपीट आगे ना रिहर्सल रिहर्सल ये आता है आपका रिहर्सल कि कितने कितने टाइम से हम रिपीट कर रहे हैं। पॉज कर दिया मैंने सेकंड सेकंड फिर से शुरू हो जाएगी आपकी स्लाइड्स की कितने टाइम तक आप देन फिर से पॉज एंड लास्ट अब सेकंड एंड थर्ड को हाइड है ना आपकी तो नहीं करें स्केप करेंगे। यहाँ पे फिर से आपके पास मैसेज आ जाता है बच्चों सेम एज रिहर्स रिहर्सल का मतलब मैंने बताया था जैसे बच्चों को हमें किसी काम की बार बार प्रैक्टिस कराते हैं स्टूडेंट्स तो उस काम की प्रैक्टिस या उस काम को कितने कितने टाइम बाद आप वापस से रिपीट कराना चाहते हो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे स्लाइड्स की रिहर्स टाइमिंग को रिपीट शो करा सकते हैं रिहर्स टाइमिंग को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। तो सेम एज हमारा जैसे नरेशन टाइम रिकॉर्ड होगी सेम मांग रहा था ऑप्शन सेम एज आपका रिहर्स टाइमिंग वही मैसेज आ रहा है द टोटल टाइम फॉर द स्लाइड शो वाज 0.00022 डू यू वांट टू कीप द न्यू स्लाइड टाइमिंग टू यूज व्हेन वी यूज द न्यू स्लाइड शो जब भी आप एक नई स्लाइड शो करो तो एक नया टाइमिंग शो करो। मैंने कहा यस तो आपका टाइमिंग जो है सेव हो गया 22 तो हर एक टाइमिंग के लिए आप सेव कर सकते हो इसको। यूज़ रिहर्स टाइमिंग यूज़ करोगे तो आप रिहर्स टाइमिंग पे क्लिक कर सकते हो बच्चों नहीं यूज़ करते तो आपका वहाँ पर रिहर्स टाइमिंग आएंगे कितने टाइम बाद राइट आप देखो यहाँ पे यस तो ये आपका न्यू टाइम स्लाइड्स हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें रिहर्स टाइमिंग को ऑफ कर दें वापस तो रिहर्स टाइमिंग चल पड़ेगी नहीं चाहिए तो हट जाएगा। यहाँ से देखना वापस से फ्रॉम बिगिनिंग से आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो ये आपकी वापस से शुरू हो जाएगी आपकी स्लाइड्स। तो हम ये स्लाइड शो वापस में कर भी चुके हैं स्लाइड्स को शो कराने के लिए आपका शॉर्ट व्यू जो है वो है आपका F5 शॉर्टकट की के थ्रू आप डायरेक्ट अपनी प्रेजेंटेशन शो कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चों इसी के अंदर मोशंस मॉनिटर्स मॉनिटर्स के अंदर आप कितनी स्क्रीन की रिजोल्यूशन चेक कर रहे हो। हमारी जो करंट मॉनिटर की जो रिजोल्यूशन होती है वो होती है 1024x768 pixels हमारा करंट रिजोल्यूशन सेट किया हुआ हमने। अब आप इसको चेक करना चाहते हो कि क्या आपके मॉनिटर का जो रिजोल्यूशन है वो यही चल रहा है या नहीं चल रहा तो आप यूज़ प्रेजेंटर व्यू पे जाओगे तो आपका एक मैसेज आ जाता है बच्चों दिस फीचर यूज विल मोर देन वन कंप्यूटर एक से ज़्यादा कंप्यूटर के लिए बट ओनली वन मॉनिटर वाज डिटेक्ट अभी हमारा सिर्फ एक ही कंप्यूटर अटैच है तो टू सी इफ कंप्यूटर कैन डिस्प्ले ऑन मल्टीपल कंप्यूटर तो क्लिक ऑन क्लिक बटन तो आप क्लिक कर सकते हो चेक बटन पर। मैंने चेक बटन पर क्लिक किया बच्चों अब आपको इसको करंट सिस्टम का रिजोल्यूशन चेक करके बता देगा कि आप उस सिस्टम पर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब यहाँ पे देखो हमने चेंज किया हुआ है रिजोल्यूशन का 1600x916 आप यहाँ पे मैच कर सकते हो तो यहाँ पे आप मैचिंग कर सकते हो देन अप्लाई कर सकते हो आपकी स्क्रीन का रिजोल्यूशन मैच हो जाएगा सेम उतना ही हो जाएगा जितना आप चाहते हो। रिवर्ट करना है या कीप चेंजेस मैंने कहा नहीं रखना तो ये वापस से जैसा था वैसा हो जाएगा तो ये आपका जैसे हमने यूज़ की वापस से वैसा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक नेक्स्ट पावर पॉइंट का स्लाइड शो। नेक्स्ट इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे रिव्यू के बारे में तब तक के लिए थैंक्स।